हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरर ऑफ साइकोलॉजी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो साइकोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी उस मेमोरी को कहा जाता है जिसके अंदर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन एक लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो कुछ घंटों के लिए हो, कुछ दिनों के लिए हो या कई सालों के लिए हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन दोनों ही अनलिमिटेड होती है, यानी हम इसमें जितनी चाहे उतनी इन्फॉर्मेशन काफी समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर इन्फॉर्मेशन जब हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है तो उस प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं तो आप जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन सीखते हैं उससे रिलेटेड हमारे ब्रेन में नए सैनेप्टिक कनेक्शन तैयार होते हैं। ये सैनेप्टिक कनेक्शन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं। अब अगर आपने उस चीज का रिहर्सल नहीं किया तो ये सैनेप्टिक कनेक्शन गायब हो जाते हैं और हम उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को चलाना भूल जाते हैं। इसके बदले में जब आप उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को चलाना बार बार सीखते हैं, उसका बार बार रिहर्सल करते हैं, तो यही सैनेप्टिक कनेक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहा जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, पहला है इम्प्लिसिट मेमोरी और दूसरा है एक्सप्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी उस मेमोरी को कहा जाता है जिसमें स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को यूज करने के लिए हमें एक्टिवली सोचना नहीं पड़ता है, ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग रोज कंप्यूटर चलाना सीखते हैं उन्हें कुछ भी टाइप करने के लिए कीबोर्ड्स के कीज को एक्टिवली देखना नहीं पड़ता है, उन्हें जो भी टाइप करना होता है उनके फिंगर्स ऑटोमेटिकली उन कीज पे चले जाते हैं। प्रोसीजरल मेमोरी जो इम्प्लिसिट मेमोरी का ही एक टाइप होता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें किसी भी चीज को करना कैसे है उसकी प्रोसीजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और इसे याद करने के लिए हमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग करना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, सिलाई करना, ये सब हमारी प्रोसीजरल मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी का दूसरा टाइप है प्राइमिंग, जिसका मतलब ये होता है कि जब हमें कोई चीज पहले से पता हो तो हमारे आगे के रिस्पॉन्सेज पे उसका क्या असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएं जैसे सी, सी शेल, वेव, सैंड, और फिर आपको एक वर्ड बनाने के लिए दिया जाए कुछ इस तरह से, तो इससे बहुत से वर्ड्स बन सकते हैं जैसे कि बेक, मेक, फेक, एटसेट्रा। लेकिन बहुत से लोग इससे वेव वर्ड बनाएंगे क्योंकि कुछ ही समय पहले उन्होंने उस वर्ड को देखा है। तो इस तरह से जब आपका रिस्पॉन्स किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन की वजह से अफेक्ट होता है तो उसे ही प्राइमिंग कहा जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का सेकेंड टाइप है एक्सप्लिसिट मेमोरी, जिसमें स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को यूज करने के लिए हमें एक्टिवली सोचना पड़ता है, ये कॉन्शियस एफर्ट होता है। इसमें किसी भी चीज के फैक्ट्स, इवेंट्स या हमारे एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ये पूछे कि फ्रांस का कैपिटल क्या है तो आपको ये सोच के जवाब देना होगा कि फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को यूज करने के लिए हमारे ब्रेन को कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि जब हमें एग्जाम देना होता है तो हमने अपने बुक्स में क्या पढ़ा था उसे याद करके ही हमें एग्जाम पेपर में लिखना होता है, तो ये एक्सप्लिसिट मेमोरी का ही एक एग्जाम्पल है। एक्सप्लिसिट मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, पहला है एपिसोडिक मेमोरी, जिसमें किसी भी चीज के इवेंट्स या किसी घटना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कॉलेज में फर्स्ट डे कैसा था, आपका जॉब में पहला दिन कैसा था, या आप अपने ऑफिस में कुछ लोगों को फाइट करते हुए देखा, तो ऐसे इवेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारी एपिसोडिक मेमोरी में स्टोर होती है। एक्सप्लिसिट मेमोरी का सेकेंड टाइप है सिमेंटिक मेमोरी, जिसमें हमारी जनरल नॉलेज, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, एज यू सो सो शैल यू रीप, इस फ्रेज का मतलब क्या है, ये सब हमारी सिमेंटिक मेमोरी का हिस्सा होते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, पहला है इम्प्लिसिट मेमोरी जो कि एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, एंड दूसरा है एक्सप्लिसिट मेमोरी जो कि कॉन्शियस प्रोसेस में होता है। इम्प्लिसिट मेमोरी के फर्दर दो टाइप्स हैं, पहला है प्रोसीजरल मेमोरी एंड दूसरा है प्राइमिंग। एक्सप्लिसिट मेमोरी के भी दो टाइप्स हैं, पहला है एपिसोडिक मेमोरी एंड दूसरा है सिमेंटिक मेमोरी।